कुकिंग बाय परमजीत कौर। हाँ जी, आज की बना लगे जी। आज ऐसे बहुत दाल पकौड़े रहता पड़ा। लो जी लो, बहुत ही बढ़िया रेसिपी आज पैन वाली है जी। बड़े रहते खाते होने ने, पर आज बनाने सी मूंगी दी दाल जड़ी होती है जी, धुली हुई, ओदियां पकौड़ियां बना के ते ओदा रहता बनावांगे। तो हुण असीं बनाना शुरू कर दिया जी। ये देखो जी, मूंग धुली दाल है जी, ते ए असीं 5 घंटे पहले फ्रैश पानी च भिगोती सी, ते हुण असीं इहदा पानी कढ़ता है। हुण असीं इहनूं मिक्सर ग्राइंडर च दरदरा कुटांगे, यानी कि ज्यादा पेस्ट नहीं बनाना, बस मोटा मोटा इहनूं असीं करांगे। मिक्सर ग्राइंडर च ऐड कर दिया जी। लो जी, कढ़ाई असी गैस ते रखती है, ते सरसों दा तेल असी इच ऐड करदे आं। जब तक तेल साडा गर्म हो रहा जी, असी एक बाउल च दही ऐड करदे आं जी। आ देखो, दही वाले डब्बे च असी थोड़ा जिहा पानी पाया, क्योंकि पानी पाण दी जरूरत वैसे भी है, क्योंकि रायते वास्ते असी इहनूं दही नूं थोड़ा पतला करना है। दही बहुत गाढ़ा है, अच्छी तरह मैश करांगे, मिक्स करांगे। लो जी, अच्छी तरह मिक्स करना, चंगी तरह फैटना दही। देखो जी, मूंग दाल जी असी ग्राइंड की है, ये नमक ऐड कर दें, ये अपने टेस्ट के मुताबिक वध घट पा सकते हो। लो जी, साबत जीरा थोड़ा जा, अद्धा छोटा चम्मच है, वो भी ऐड कर दिया जी। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करांगे। तेल साडा गर्म हो गया जी, ते असी पकौड़ियां बनानी शुरू करते हैं जी। बहुत ही सिंपल तरीका है मूंग दाल पकौड़ी दे रहते दी, इवन एक बिगनर भी इन्हें बना सकता जी। कोई ज्यादा इस मसाले नहीं पेंदे और बहुत हल्का और स्वाद बनता है। कोई ऐसी हैवी मसाले दाल च नहीं पाए असी। आलो जी, गैस असी बंद कर दी, असी इन्हें गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस गोल्डन ब्राउन तो पहले ही असी इन्हें कढ़ लेना। जे गोल्डन ब्राउन कर लिया तो ये सुक जाएंगी। फिर जी, इस तरह का कलर असी रखना है इन्हों। लो जी, गर्म पानी असी एक बाउल च ऐड कर दिया जी। बस ज्यादा गर्म भी नहीं करना, पर होना गर्म चाहिए। तो जिहड़ी असी पकौड़ियां असी हुण कढ़ियां ने, इन्हां नूं असी इस गर्म पानी च ऐड कर देंगे। इस गर्म पानी च पाण नाल ये जो पकौड़ियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी, ये फुल जाएंगी। उस तो बाद असी रायते च ऐड करांगे। लो जी, 10 मिनट हो गए ने गर्म पानी च पकौड़ियाँ भिगोए हुए, तो हुण असी इन्हां नूं हाथ ते पानी कढ़ देना है, दबा के मतलब इस तरह, फिर इन्हों दही च ऐड करना। ये हुण बहुत सॉफ्ट हो चुकिया ने, फुल चुकिया ने। इस तरह सारे पकौड़ियाँ जो असी पानी कढ़ देना दबा। लो जी, अच्छी तरह इन्हों असी मिक्स कर देना, दबा के। देखो जी, सारा पानी भी निकल गया, जरा कोई एक्स्ट्रा ऑयल होंगे वह भी निकल जाता है। सब तो पहले असी थोड़ा जहा नमक ऐड करा, अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करना जिन्ना कि खाना चाहते। लो जी, थोड़ी जी असी लाल मिर्च पाउडर पावे, ये भी अपनी टेस्ट के मुताबिक बहुत घट पा सकते हो। हूँ असी थोड़ी जी काली मिर्च, अद्धा छोटा चम्मच। ये जो कि जीरा असी भुनिया सी तवे दे, तवे उस तो बाद असी पाउडर बना लिया, तो ये अद्धा छोटा चम्मच ये भी असी ऐड करता जी। बाकी ये कोई दही की नाप तोल की जरूरत नहीं है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब नाल
दही अंदाजे नाल भी ले सकते हो, बस उसी हिसाब नाल असीं पकौड़ियां ऐड करते हो। लेकिन असीं जिहड़ा लिया सी इह 350 ग्राम दही सी। अच्छी तरह असीं इहनूं मिक्स कर देंगे, जिन्ने भी मसाले पाए ने इहनां नूं अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मूंग दाल पकौड़ी रायता बन के साडा बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करते हैं तुहानू पसंद आएगा। एक बारी बना के देखो और कमेंट बॉक्स अपने कमेंट्स जोड़ दिओ कि तुहानू कैसा लगे। थैंक यू वेरी मच।